Everybody, this is digital blackboard by Sachin Pinagmote. So इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर एग्जैक्टली क्या है? सो बेसिक में हमें यह पता होना चाहिए कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज अ सिंगल फेज एसी मोटर जो सिंगल फेज सप्लाई पे काम करती है. अब एग्जैक्टली वर्किंग क्या है ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे आसान तरीके से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली शेडेड पोल इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है. अब आपको दिख रहे दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसमें से फ्लक्स निकल रहा है और उसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो है कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लक्सेस की जो लाइन्स है वो स्ट्रेट है. इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को एक ही जगह होल्ड करके रखेगा, उस पर कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है. इसका मतलब वो मूव नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एक ही जगह कॉन्स्टेंट पोजिशन पर रहेगा. अब अगर फ्लक्सेस की लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब नो टॉर्क इज डेवलपिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी फ्लक्सेस की लाइंस दिख रही है आपको. ठीक है, अब अगर ये जो लाइंस है फ्लक्सेस की लाइंस अगर वो राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट होती है, आप देखिए राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट होती है तो राइट हैंड साइड में जो है फ्लक्सेस की लाइंस जो ज़्यादा क्राउडी हो जाता है, यानी फ्लक्स जो है क्राउडी बन जाता है. और जैसी वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रही है तो आप देख सकते हो कि फिर वो क्राउड जो है कम हो रहा है. ठीक है, सो व्हेन द फ्लक्स लाइंस ऑफ फ्लक्सेस आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट द एरिया द फ्लक्स लाइंस एरिया इज बिकम वेरी थिक. ओके, एंड एज इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसी वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो वही एरिया क्या हो रहा है, काफ़ी थिन हो रहा है, जहाँ पे लाइंस ऑफ फ्लक्सेस काफ़ी थिन है. तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है फ्लक्सेस की लाइंस अगर थीक एक क्राउडी एरिया और अनक्राउडी एरिया, तो इससे एक इलास्टिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है जिसको हम इलास्टिक एक्शन भी कह सकते हैं. जैसे अगर आप रबर को खींचेंगे तो रबर को अगर खींचेंगे तो उसके बीच के पोर्शन को आप देखोगे वहाँ पे ऐसी थीन लाइंस होती है, यानी थीन हो जाता है जो एरिया, और जैसे आप उसको फिर से पास में आके एज इट इज़ रिस्टोर करते हो तो वही थीक हो जाता है. तो इलास्टिसिटी जैसा, तो सेम एक्शन हो सकता है फ्लक्सेस के वजह से. अगर फ्लक्सेस अगर मूव हो रहे हैं फ्लक्सेस की लाइंस अगर एक डायरेक्शन में तो क्राउडी, और दूसरे लाइन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव हो रहे हैं तो वहाँ पे फिर जो है एरिया ठीक हो जाएगा. तो ये इलास्टिसिटी के वजह से आप देखो कि अगर यही जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में जो फ्लक्सेस की लाइंस हैं उसको हम अगर ऐसे ही कर दें, क्राउडी बना दें और उसके बाद अनक्राउडी बना दें, तो आप देख सकते हो कि वो जो प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी से जो प्रेशर डेवलप होगा वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप होगा, और जैसे ही वो प्रेशर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप होगा तो क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है. ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट जो है कि फ्लक्सेस को एक एरिया में क्राउडी कर दो, बाद में थीन कर दो या थीक कर दो, थीन कर दो, थीक कर दो, थीन कर दो, थीक कर दो, इसके वजह से एक इलास्टिसिटी डेवलप हो, और उस इलास्टिसिटी की वजह से क्या एक प्रेशर डेवलप हो, और जिस प्रेशर के वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव हो सके या फिर रोटेट हो सके. तो बस यही प्रिंसिपल यूज होता है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में. तो एग्जैक्टली करते क्या है, तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में देखो एक स्टेटर रहता है. ठीक है, जैसे नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर तो रहता ही है, वैसे सेम स्टेटर इज देयर इन द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. लेकिन उस स्टेटर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी उसको बीच में से काट के दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेजर पोर्शन है एक माइनर पोर्शन है. और जो माइनर पोर्शन है वहाँ पे कॉपर का वायर डाल दिया, कॉपर की एक स्ट्रिप डाल दी है. उस कॉपर की स्ट्रिप को डालने की इस कॉपर की स्ट्रिप को डालने का एक पर्पज ये है कि इसमें EMF इंड्यूस होना चाहिए और उसमें करंट भी फ्लो होना चाहिए. अब ये EMF इंड्यूस क्यों हो और उसमें कॉपर की स्ट्रिप में, ये जो कॉपर की स्ट्रिप आपको दिख रही है उसमें करंट क्यों फ्लो हो, इसका रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेटर के पोल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मेजर पोर्शन एक माइनर पोर्शन, और माइनर पोर्शन में हमें कॉपर की स्ट्रिप डाल दी. अब हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई तो हमारे पास अवेलेबल है ही. अब जब सिंगल फेज एसी सप्लाई अवेलेबल है तो बट नेचुरल है हम क्या करेंगे, उस स्टेटर को एक्साइट करने के लिए, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे उस स्टेटर पोल को, उसमें से सिंगल फेज करंट फ्लो कराएंगे. अब होगा क्या, द करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है जो मेन करंट है, तो ये अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा फील्ड वाइंडिंग से. सो दिस इज कॉल्ड एज मेन फ्लक्स. सो द करंट विच इज प्रोड्यूस बाय द मेन सप्लाई इट इज कॉल्ड एज मेन फ्लक्स. ठीक है, अब ये मेन फ्लक्स है. अब हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई तो हमारा फ्लक्स भी एसी रहेगा. अब ये एसी फ्लक्स जो है वो कॉपर की स्टिक जो आपको दिख रही है ना, तो उस कॉपर की स्टिक के साथ वो एसी अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है लिंक होगा. सो बट नेचुरली कॉपर की उस स्ट्रिप में EMF इंड्यूस होगा, और जैसे ही कॉपर की उस स्ट्रिप में EMF इंड्यूस होगा, कॉपर की स्ट्रिप को शॉर्ट सर्किट किया है तो कॉपर की स्ट्रिप में करंट भी फ्लो होगा. तो जैसे ही उस छोटे से कॉपर की स्टिक
स्ट्रिप में करंट फ्लो होगा तो वो भी अपना एक फ्लक्स क्रिएट करेगा. सो दैट फ्लक्स इज कॉल्ड एज फा एस, दैट इज शेडेड फ्लक्स, क्योंकि वो शेडेड पोर्शन है. ठीक है, तो शेडेड फ्लक्स. तो अभी देखो हमने क्या किया, दो फ्लक्स बन गया अभी, एक तो मेन फ्लक्स और उसके बाद कॉपर के जो स्ट्रिप है उसमें से करंट फ्लो होने की वजह से एक दूसरा फ्लक्स क्रिएट हो गया, उसको बोलते हैं हम शेडेड फ्लक्स. ठीक है, अब देखो इन दोनों फ्लक्सेस का जो इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, तो इलास्टिसिटी का एक्शन कैसे जनरेट होगा. तो हमें पता है कि ये दोनों फ्लक्सेस जो है वो एसी है. ठीक है, तो हमारा मेन फ्लक्स जो है एसी है और इसी फ्लक्स की वजह से जो है शेडेड पोल के पोर्शन में जो कॉपर की स्ट्रिप है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो एज द फ्लक्स इज एसी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन इंस्टेंट हम लेंगे. अगर ये टी वन इंस्टेंट है तो एट टी वन इंस्टेंट व्हाट इज हैपनिंग, करंट जो है टी वन इंस्टेंट पे बढ़ रहा है, यानी फ्लक्स जो है बढ़ रहा है. तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो उस फ्लक्स को अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ वो अपोज करेगा. ठीक है, उसके बाद दूसरा एक इंस्टेंट देख सकते हो आप, दूसरा इंस्टेंट अब जो आप देखोगे तो दैट इंस्टेंट इज टी टू, तो यहाँ पे जो है फ्लक्स मैक्सिमम है. और तीसरा एक इंस्टेंट देख सकते हो जहाँ पे क्या है फ्लक्स अभी डिक्रीज हो रहा है. सो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होने की वजह से क्या हो रहा है, जो दोनों का इंटरेक्शन होगा फाई एम और फाई एस, दैट इज मेन फ्लक्स और शेडेड फ्लक्स में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन भी चेंज होगा. और बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन, दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो शिफ्ट होते जाएगा. बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मेन फ्लक्स एंड शेडेड फ्लक्स, वो रिजल्टेंट फ्लक्स भी क्या होते जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. तो कभी वो क्राउडी हो जाएगा शेडेड एरिया में और कभी अनक्राउडी हो जाएगा. तो कभी वो इधर, ठीक है, तो शेडेड फ्लक्स जो माइनर पोर्शन है स्टेटर का उसमें कभी क्राउडी हो जाएगा, फिर इधर क्राउडी हो जाएगा. इसका मतलब इलास्टिसिटी एक्शन जो है जनरेट हो रही है. तो हम जो है वो एक ही पोल के लिए दिख रहे हैं, स्टेटर पोल के लिए. ऐसे दो पोल्स रहेंगे, एक नीचे भी रहेंगे, चार पोल्स भी रह सकते हैं. ठीक है, तो बस ये इलास्टिसिटी का एक्शन जब जनरेट होगा तो ये सब प्रेशर है किस पे डेवलप होगा, हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे या जो रोटर रखेंगे हम, उस रोटर पे वो जो प्रेशर डेवलप होगा और हमारा रोटर क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है. तो हम देखेंगे उसको. तो कुछ पॉइंट्स है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्क्विरियल केज रोटर, उसको स्क्विरियल केज रोटर रहता है. एवरी स्टेटर पोल इज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स बाय कीपिंग अ स्मॉल स्लिट इन द पोल एंड द स्मॉलर पोर्शन इज कवर्ड विद अ थिक शॉर्ट सर्कुलेटेड कॉपर वायर कॉल्ड एज अ कॉपर बैंड और शेडिंग बैंड. अब ऑपरेशन में क्या है कि वेन स्टेटर वाइंडिंग कैरीज करंट द मेन पोल प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स फाइ एम. ठीक है, दिस फ्लक्स फाइ एम लिंक्स विद द शेडिंग बैंड एंड प्रोड्यूसेस सर्कुलेटिंग करंट. दिस सर्कुलेटिंग करंट प्रोवाइड्स अनदर फ्लक्स दैट इज फाइ. नाउ एट इंस्टेंट टी वन करंट इज इंक्रीजिंग, सो इंड्यूस सी एम एफ ट्राइज टू अपोज, दस फ्लक्स फाइ एस अपोजेस इट एंड रिजल्टेंट फ्लक्स इज इन अनशेडेड पार्ट. ओके, देन एट इंस्टेंट टी टू करंट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो मैक्सिमम में इंड्यूस करंट एंड फ्लक्स आर नेग्लिजिबल है, रिजल्टेंट ऑलमोस्ट इज एट द सेंटर ऑफ द पोल, तो सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, एट इंस्टेंट टी टू दस हैज शिफ्टेड इट्स पोजिशन एंड पोजिशन शिफ्ट होगी रिजल्टेंट फ्लक्स की. उसके बाद एट इंस्टेंट थ्री टी थ्री करंट इज डिक्रीजिंग, द इंड्यूस करंट एंड फ्लक्स फाइव थ्री ट्राई टू अपोज दिस डिक्रीज, हैंस देर इज अ क्राउडिंग एट फ्लक्स इन अ शेडेड पार्ट, सो रिजल्टेंट फ्लक्स अगेन शिफ्ट इट्स पोजिशन. तो ये ऑपरेशन जो है कंटिन्यू होते जाएंगे, दस इट मूव्स फर्दर, दिस एक्शन कंटिन्यूज एंड रिजल्टेंट फील्ड रोटेट्स फ्रॉम अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट, एंड हेंस रोटर ऑल्सो रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन. तो ये है कुछ पॉइंट शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में. अब उसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे. तो ये हमारा रोटर है, ये हमारा स्टेटर पोल है, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कॉपर का स्ट्रिप डाल दिया जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा और इसमें फ्लक्स भी डेवलप होगा. ठीक है, फिर करंट सप्लाई करेंगे हम. ठीक है, सप्लाई करंट फ्लो होगा, उसके बाद एक मेन फ्लक्स आएगा फाइ एम, उसके बाद एक शेडेड फ्लक्स आएगा फाइ एस और दोनों का इंटरेक्शन होगा. तो जो भी रिजल्टेंट फ्लक्स है, जो भी रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या होगा, शिफ्ट होते जाएगा और वो प्रेशर डेवलप करते जाएगा. तो उस प्रेशर के डेवलप से इलास्टिसिटी ऑपरेशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट या फिर रोटर है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगा. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड वर्किंग ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. तो फिर से हम देखेंगे, हमने यहाँ पे एक ही पोल दिखाया, अब हम दो पोल देखेंगे यहाँ पे. देखिए, तो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम जो है एग्जाम में अगर ड्रॉ करना है तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की. ठीक है, तो यहाँ पे दो पोल्स दिखाए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, शेडिंग बैंड है, उसके बाद रोटर है, उसके बाद स्टेटर वाइंडिंग है, उसके बाद सिंगल फेज सप्लाई है. ठीक है, उसके बाद हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा है, अनशेडेड पार्ट शेडेड पार्ट में जो ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वजह से एक इलास्टिसिटी जनरेट हो रही है और हमारा रोटर के ऊपर प्रेशर डेवलप होकर वो घूम रहा है. सो दिस इज द कंप्लीट सिमेटिक डायग्राम ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ठीक है,
तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं, टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहती हैं। तो हमें जो नॉर्मल थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तो सिमिलर टाइप ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टॉर्क ज़ीरो, तो स्पीड स्लिप भी ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी हैं उसके शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। एडवांटेजेस ये है कि ये चीप है, इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेजेस में कि ये लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है इसमें और ये लो पावर फैक्टर पे काम करता है। ठीक है, इसका मतलब पावर कंजम्पशन ज़्यादा है शेडेड पोल में। उसके बाद अप्लीकेशन, ये टेबल फैंस में यूज़ होता है, ब्लॉवर्स में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और टॉयज़ में भी यूज़ होता है। सो आई होप यू गॉट द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड योर कंसेप्ट हैज़ बीन क्लियर इन योर माइंड अबाउट शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिजिटल ब्लैक बोर्ड। थैंक यू वेरी मच।